सोचते रहे ये देखते हुए कि अब वो बोलेंगे कि मुसलमानों के बारे में भी, तो उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके, और झूठे मुंह ही मुसलमानों का जिक्र ही नहीं, हम देखते रहे, वो भी हमको भाषण करते करते देख रही थी, कम अज़ कम हमको देख के उनको एहसास हो जाना चाहिए था कि हम यहाँ पर जो आते हैं इसके अंदर मुसलमानों का भी हाथ होता है करके, मुसलमान भी देते हैं। तो अब जब ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, तो या तो हमने अपने घर में बैठना कि नहीं साहब सब चल रहा है अच्छा, या आना लड़ना करके, तो हमने तय किया है कि हम आएंगे रास्ते के ऊपर उतरेंगे करके। हमारा एक मराठा भाई जो है काका साहेब शिंदे, उसने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए उसने अपनी जान की आहुति दी, हम कल उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। औरंगाबाद से और दिगरिया से जो रैली निकल रही है उसमें कितने लोग हैं? सर कल देखिए, आप इतना सिर्फ आपको मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की इस मुल्क की तारीख के अंदर इतना खूबसूरत मंजर आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा कि कई सौ गाड़ियाँ रास्ते के ऊपर रहेगी, बहुत डिसिप्लिन तरीके से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं रहेगी, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे देश का तिरंगा हम लहराते हुए मुंबई की तरफ जाएंगे। और इसलिए तिरंगा हम लगा रहे थे कि 75 साल हो गए आज़ादी के, तो हमारे वजीर आजम ने कहा है कि अमृत महोत्सव मनाओ, देश का अमृत महोत्सव साल भर मनाओ करके, तो हम जा रहे हैं। अब अगर पुलिस हमको बोलेंगे कि नहीं तो अमृत महोत्सव भी नहीं मना सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ये बॉम्बे में जो जलसा होगा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे, हम रहेंगे, और देखिए लोग आपने जैसा कि इसे पार्टी से ऊपर उठ के इसमें हिमायत मांग ली थी, तो कितने पार्टियों का या लीडरों का सपोर्ट मिला? देखिए किसका मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक अखलाकन तौर के ऊपर हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, जो बड़े नेता है और जो ऐसे नेता जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको सबको हमने पत्र दिए हैं, और हमने ये कहा है कि ये आप लोगों की खामोशी है, आप लोग अपने राजनीतिक नेताओं के तलवे चाटकर आज मुसलमानों को इतना पीछे कर दिए हैं करके, एक मर्तबा मुसलमानों के हक़ के लिए आप हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर शामिल हो, इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो। इलेक्शन आएगा, आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर डालना है, जिस पार्टी के साथ जाना है आप जाइए, लेकिन एक मर्तबा मुसलमानों के साथ कम अज़ कम मुसलमान बन के तो निकलो उसमें, या तुमसे पैदा ही हुए हैं कि उनके तलवे चाट कर उनकी जी हुजूरी करने के लिए। तो उमूमन देखा गया है कि सियासी पार्टियों ने या सियासी लीडरों ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा, मजबूरी ये है कि इनको सत्ता में टिके रहना है, और हम जो है ना, हम सत्ता के लालची है, ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना कोई पोस्ट चाहिए, ना मिनिस्ट्री बोर्ड चाहिए करके, इनको ये है कि अगर हमने है तो ये मुद्दा निकाले तो शिवसेना इसका समर्थन करेगी क्या करके, तो ये ऐसे एक उसमें फंसे हुए हैं कि कौम पीछे चले जाए चल जाएगा, कौम खड्डे में गिर जाए चलेगा उसके अंदर, लेकिन अपनी कुर्सी बचाए रखना है करके, और ये सब चल रहा है इसमें। अगर मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के 8-10 मंत्रियों ने कल है तो जाकर अपने नेताओं के मुंह पर अगर इस्तीफा फेंक कर मारे कि साहब जो हमको नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे करके, साहब 8 दिन के अंदर देखिए कैसे नतीजे आते हैं करके, यही 8-10 नेता है जिन्होंने तो पूरी कौम को है तो हमारे को लटका के रखे हुए हैं। तो क्या ये अब अवामी तहरीक बन जाएंगी? बन गई है, कल आप देखेंगे कि आवामी तहरीक कैसी रहती है।